तुम कौन? जी हम उनके प्रेमी पड़ोसी हैं, बेलबिशर सामने वाले घर में रहते हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट, तुम्हारा नाम वो कुछ भिखारी टाइप का है ना? जी नहीं, मनमोहन तिवारी सर। मेरा सन इन लॉ है ना, वो भी ऐसा ही कुछ नाम कह रहा था। हमारे घर में डेरा वाले बैठे हैं। तो उसका डेरा तंबू सब उठाओ और फौरन अपने घर से बाहर निकालो उसे, और उनके डिवोर्स के लिए कोई अच्छा वकील सजेस्ट करो। मतलब सच? मतलब आप वाकई चाहते हैं कि उनका डिवोर्स हो जाए? हाँ बिल्कुल, उसके चक्कर में मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई है। अरे हम तो भाभी जी का भला ही चाहते हैं। आपकी तरह हम उसको जो है ना भाभी जी के जीवन से निकल बाहर करेंगे। वेरी गुड, मगर सबसे पहले उसे अपने घर से बाहर निकालो, वरना मेरी बेटी से कभी बात भी मत करना, समझे? सर आपका हुक्म सर, आंखों पर हम लात मार के उनको घर से बाहर निकाल देंगे। That's like a good boy. थैंक यू। गुड, थैंक यू। भाभी जी के पिताजी पर प्रभाव डालने का यही एक अच्छा तरीका है, जिसे हम हाथ से नहीं जाने देंगे। हम इनका डिवोर्स करवा के दम लेंगे। भभूति आ आ आ। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अनु बहुत अच्छी है और मुझसे बहुत प्यार करती है। शीरेली लव जी नहीं, भाभी जी आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, भाभी जी हेट्स यू। भैया इनके मुंह से निवाला छीन रहे हैं। काहे? क्योंकि इनकी औकात नहीं है हमारे घर का निवाला खाने की। ये कैसी बातें कर रहे तिवारी जी, दो दिन से भूखा हो। हाय दिया, अभी तो आप बोले सुबह से भूखे हैं। ऐसा है, अगर भूखे हैं ना तो बाहर डस्टबिन में खाना पड़ा है, जाके खा लीजिए, समझ जाइए, उठिए यहाँ से चलिए। तिवारी जी मुझे खाना नहीं देना तो मत दीजिए, मैं रूखी सूखी खा लूंगा, कैसे भी करके पेट पाल लूंगा तिवारी जी, लेकिन मेरे सर से छत मत छीनिए प्लीज। ऐसा है कि वो फादर इन मतलब अंकल जी और भाभी जी ने सख्त हिदायत दी है कि आपको हम हमारे घर में ना रखें। अनीता ने ऐसा कहा? जी अनीता जी ने कहा, कोई सुनीता जी ने नहीं कहा, समझे? मतलब भाभी जी ने कहा कि लात मार के घर से बाहर निकाल दे। अनु ऐसा कह ही नहीं सकती है। जी हाँ, नहीं विश्वास हो रहा ना, तो जाइए घुइया के खेत में, लेकिन यहाँ से निकलिए। भैया काहे आप उनके मुंह से निवाला छीन लिए, हम खामोश रहे। आप उनको जलीकट्टी सुनाए तब भी हम खामोश रहे, लेकिन आप उनको ही घर से बाहर ना ही निकाल सकते हैं। भाभी जी वाह, अरे खामोश, क्या अच्छा है क्या बुरा है हमें मत समझाओ, समझी तुम? और आप निकलिए यहाँ से, चलिए निकलिए। जी इस घर के अलावा मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं, प्लीज। अच्छा जगह नहीं है? नहीं। कोई बात नहीं, हम आपको बताते। वो याद है वो ट्रेन के नीचे वाला पुल जहाँ कई बार हम लोग छुपे हैं, बस वहीं चले जाइए, वहाँ सामने जो है वो गंदे पानी का तालाब भी है, वहाँ जाके नहा लीजिए, सब सही रहेगा। है चले निकलिए, आइए चले निकलिए। कहाँ जाऊंगा तिवारी जी, हम बताते ना कहाँ जाए, खड़े खड़े होइए, चलिए चलिए निकलिए 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 निकलिए। जाइए, आपसे बात ही नहीं करेंगे। अरे यार बात नहीं करेंगे, अबे वो भूकर रहा लेगा। तुम मुझे समझाओगी कि क्या गलत है क्या सही है? बच्ची तो मैं भी नहीं हूँ डैड, अपना भला बुरा मैं खुद सोच सकती हूँ। खुद सोच सकती हो, इसीलिए तो ये हाल है तुम्हारा, ये चॉइस है तुम्हारी। डैड विभू जैसे भी है मेरे लिए परफेक्ट है। वो तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है। एंड हाउ कैन यू से दैट? मुझे अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है उसके साथ, एंड ही इज परफेक्ट, वो मेरा पति है। खामोश खामोश, बेटी घर की समाज की इज्जत होती है, एक बार वो भटक जाए ना तो 7 पुश्तों तक दाग लग जाता है। मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसकी वजह से आपके या आपके खानदान पर कोई दाग लगे। ये विभूति नाम का जो दाग लग गया है ना तुम पर, उसके बारे में क्या कहोगी? विभूति दाग नहीं है, विभूति रंग है। रंग में भंग है। विभूति मेरा अभिन्न अंग है। वो रास्ते पे पड़ा संग है, मतलब कि पत्थर है। मेरा बेटा संग नहीं है, संगे मरमर है डैनी साहब। एलन जी आपका बेटा संगे मरमर नहीं है, संगे खंडहर है। मुझे एक बात बताइए कि मेरे बेटे को उसी के घर से निकालने का मतलब क्या है? आई एम सॉरी एलन जी,
लेकिन ये घर आपके बेटे का नहीं है, दरअसल मेरी बेटी का भी नहीं है, मेरे एक अच्छे दोस्त मिस्टर शर्मा, हाँ हाँ उनका नाम भी शर्मा ही है, ये घर उनका है और मेरी बेटी इस घर का किराया देती है। आपके बेटे ने तो एक पैसा नहीं दिया आज तक। अच्छा जी, लेकिन मुझसे तो उसने कहा था कि वो किराया देता है। झूठ बोल रहा है वो मम्मी जी, आज तक उसने एक पैसा नहीं दिया है। देखा? मेरा मतलब वो नहीं था। मैं समझ गया बेटा, तुमने ये बात अपने दिल से कही, समझ गया मैं। डैड वो ऐसा मतलब मत निकालिए आप उस चीज का। अरे जो कुछ भी है सब कुछ ठीक है। ओह गॉड। हेलन जी, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, आपका दिल चाहे तो आप यहाँ रह सकती हैं और दिल चाहे तो अपने बेटे के साथ। नहीं डैनी साहब, मैं यहीं रह लूंगी। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप यहीं रहें। अरे दूरत दूरत। भाई अंकल जी, भाई लगे हाथों हमारी तनख्वाह भी दे दियो। ऐसा है सेठ जी, मैं जब से आपके यहाँ काम कर रही हूँ तब से मैं ब्यूटी पार्लर भी नहीं गई, शरीर पर मेरे इतने मोटे मोटे बाल हो गए। हाँ भाई अंकल जी, भाई जा चक्कर में ना जाको मोहल्ले के पूरे लोग बाल कलाकार कहने लगे है। एक मिनट, पैसे देने यार। तुम दोनों भी उस जूनियर डैनी की तरह नकली हो, निकलो यहां से। क्या दे रहा है यार तू भी? नेहरू नगर में लाठी चार्ज हो रहा है, वहां लाठी खाने के लिए गए हैं। अरे यार ये सक्सेना वीजा काम के वक्त पर गायब रहते हैं। क्या बात है तिवारी भैया, आपके चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? यार ऐसा है कि हमें ना एक वकील की जरूरत है। अब सक्सेना जी जो डंडे खाने गए हुए हैं, आपकी नजर में कोई अच्छा सा वकील है क्या? वैसे केस क्या है? यार किसी का तलाक करवाना है एज सून एज पॉसिबल। तिवारी भैया, अंगूरी भाभी साहब का झगड़ा होना चल रहा है क्या? अरे यार हमें हमारा तलाक नहीं करवाना है, किसी और का करवाना है, मुंह मांगी रकम देंगे। अरे भैया लेकिन तलाक चाहिए किसको? भभूति जी और अनु मतलब भाभी जी का तलाक करवाना है। शोर मानी चाहिए आपको, एक पड़ोसी होके पड़ोसी का घर उजाड़ रहे। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे क्या करें माता, अरे वकील का नंबर तो देते जाइए। अरे यार ये क्या है? ये है वकील का नंबर। अरे थैंक यू पेलू यार, थैंक यू, इतनी देर से ढूंढ रहे, पहले बता देता यार। एक मिनट भाई। अरे फोन तो उठा लीजिए वकील साहब। Yes, yes, she is very much single. उसकी शादी नहीं हुई है। हाँ, she is single. And I have decided कि तुमसे बेहतर लड़का उसके लिए कोई हो ही नहीं सकता है। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। शाम को मैं तुम्हारी और अन्नु की शादी का ऐलान करूंगा, ओके? बाय राहुल, बाय। डैड, ये किसके शादी का ऐलान करने वाले हैं? तुम्हारी शादी का। लेकिन डैनी जी इसकी शादी हो चुकी है। माफ कीजिएगा, वो एक शादी नहीं एक मजाक था। जो अक्सर करोड़पति बाप की बेटियां वो भिखारी और बेरोजगार लौंडों के साथ करती हैं। माफ कीजिएगा डैड, वो मजाक नहीं है, विभू के लिए मेरा प्यार है। ये सही कह रही है और इसकी गवाह मैं हूँ। ये दोनों बच्चे आपस में बहुत प्यार करते हैं। एक नल्ले बेटे की माँ का दिल बोल रहा है। मेरा बेटा नल्ला नहीं है, वो आसमान का टूटा वो सितारा है। वो आसमान का सितारा नहीं, वो बेरोजगारी के कीचड़ का वो दाग है जो मेरी बेटी के दामन पर लग गया है। डैड,
और सर हाउज द अरेंजमेंट? कूल, वेरी गुड. थैंक यू गुड. आप बहुत बहुत बधाई हो सेठ जी. मैं मुलाजिमों की बधाई कबूल नहीं करता हूँ. अंकल जी, गरीबन की बधाइयों में का कीचड़ लिपटी होती है. जलालत की कीचड़. हाय डैन. हाय हेलन. डैनी से डैन. क्या बात है, पार्टी नहीं शुरू हुई अभी? भाई चांद निकलने का इंतजार था, अब चांद निकल आया है तो पार्टी भी शुरू हो जाएगी. शुक्रिया. बहुत नॉटी हो तुम. आंटी जी, आई एम लुकिंग वेरी हैंडसम. बदतमीज कहीं का. अकल है कि नहीं? वो ब्यूटीफुल होता है. वैसे आंटी कुछ भी कहो, आज लग आप बहुत गजब की रही हो. मैं तो कह रहा हूँ कि नजर नजर ना लग जाए आपको. आंटी जी, एक काम करियो, नींबू मिर्ची की माला ना गले में टांग लियो. हाय एवरीवन. हाय बेटा. नहीं, ये नहीं हो सकता. अक्का बोली, पगली क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि भाभी जी भभूति जी को छोड़कर जो है किसी और मुस्तंडे के साथ निकल ले? हमको कहाँ से अच्छा लगेगा, हम तो पहले से ही बोल रहे हैं कि कछु अच्छा ना ही हो रहा है. कछु कीजिए ना, आप खड़े कहे हैं यार. वाओ बेटा, यू आर लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस. डार, आप ये गलत कर रहे हैं. बेटा, एक बाप अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही करता है. इसमें क्या अच्छा है डार? बेटा, राहुल ओबेरॉय एक बहुत ही अच्छा लड़का है. विभू मेरे लिए सबसे अच्छा लड़का है डार. तुम्हें महलों में रखेगा वो. मैं विभू के साथ झोपड़ी में भी खुश रह लूंगी. ओ हेलो अंकल. राहुल, वेलकम वेलकम टू द पार्टी. हाय हेलो. अनीता जी. एक्सक्यूज मी, आप ऐसा काहे कर रही हैं? क्या बताऊं अंगूरी जी, मैं मजबूर हूँ. ऐसी भी काम मजबूरी है आपकी? भैया अंग्रेजी. भैया पहली धार का माल है वो, दवा के खींच लियो. माई जगह मैं आता ना तब तक की था जब तक बेहोश नहीं हो जाता. और कसम खा के कह रही हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसी गिलास में जहर डालता और एक सांस में डगाड़ जाता. भैया जी, तुम्हारी साइकिल ने सवारी बदल ली. शर्म आनी चाहिए आपको, समझे? आप जैसे काइया डरपोक आदमी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए. तिवारी जी, आप मेरी गैरत को ललकार रहे हैं. अरे जाइए, आप जैसे बेगैरत आदमी के पास क्या गुइया गैरत होगी. तिवारी जी, माइंड योर लैंग्वेज. भिखारी जी, बड़े चुप रहिए. हमारे लिए भी तो बनाइए. अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अपनी बेटी अनीता और मशहूर बिजनेसमैन राहुल ओबेरॉय की एंगेजमेंट का ऐलान करता हूं. अरे भाई, तालियां तालियां. इस खुशी के मौके पर गाना बजाना तो होना चाहिए ना. राहुल, कम ऑन, यू टेक द लीड. मोरी मैया मर गो. जालिम, अबे इतनी सी छुपा ली थी यार, पार्टी से चुरा के लाए हो. साले तू तो बहुत बड़ी चिरान है. वैसे एक बात बोलूं, तिल्लू भी कम थोड़ी है. आधा मान लिया, उड़ा लाया मेरी जान. अरे जी कलक, तू भी एक नंबर को बड़े वाले खिलाड़ी है को. कंजूस लोगों के काम कर करके कर करके जे अदाएं तो आए जावे. सही कह रहे हो यार. यार वो का नाम है वो अनीता भाभी के डोकर को? डोंकी अंकल नहीं, डैनी अंकल. हाँ
हाँ यार, जे डैनी अंकल है ना, एक नंबर को कंजूस आदमी है यार। तू कंजूसी की बात कर रही है? वो भुतनी का एक नंबर का मक्की चूस है। मुर्गी जितनी मोटी होती है ना, अंडा उतना ही छोटी देती है वो। ठीक कह रही है तू, तेरा मतलब है कि जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा बिच्छू। हाँ। तेरी कौन है बे? तुम्हारा बाप बे सेठ जी। सेठ जी गया घुइया के खेत में, उससे बड़ा अभागा कोई नहीं होगा इस दुनिया में, बहुत अभागा वो गॉड। भैया बात तो सही कह रहे, तुम्हारे संग ना बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। इतना बड़ा जख्म खाने के बाद भी जिंदा हो सेठ जी, भैया मानना पड़ेगा बहुत मोटी चमड़ी के। सही कह रहे हो यार, अगर मौके से कैसे हो कर मोटी कर बे। हाँ भैया ठीक कर रहा हूँ, सही कह रहे हो भैया, अगर मौके संग ऐसी ट्रेजेडी हो जाती ना तो मैं तो डूब के मर जाता, जान दे दो तो अपनी। बीवी छोड़ने का गम क्या हुए, तुम क्या जानो मलखान बाबू? अरे मैं कैसे जानूंगा, मोकी बड़ी तीन चार शादी है गई है, और भैया इनका हाल देख के लग रहा तुझे कौन कम बकत शादी करेगा यार। ठीक कह रही है तू। अच्छा तूने वो कहावत सुनी? कौन सी? बड़ी मशहूर कहावत है कि शादी का लड्डू जो खाए सो पछताए, जो ना खाए सो पछताए। हाँ यार। चलो दोस्तों, चौथा दिल में पत्थर रख के जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना सेठ जी, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ बेचारा दर्द का मारा हुआ यार। हाँ यार अपने दुख दर्द ना खेलो मत, समझना। चल पैक बना। हाँ यार। ला 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 ला। अनु, अंधेरे में क्यों बैठी हो बेटा? मेरे जिंदगी में अंधेरा तो आप ही ने लाया है डार, बुझा दो ये रोशनी। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तुम्हारी जिंदगी में तो अब उजाला आने वाला है। उजाला आने वाला? हाँ बेटा, वो विभूति नारायण नाम का जो अंधेरा था वो छट चुका है, और अब राहुल तुम्हारी जिंदगी को रोशन करेगा सूरज बनकर। मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरे विभू से रोशन है डैड, किसी और के लाए रोशनी के लिए नहीं मेरे दिल में जगह है और ना ही मेरी जिंदगी में। जिंदगी की गाड़ी जज्बात के पेट्रोल से नहीं चलती है बेटा, एक शानदार जिंदगी जीने के लिए पैसे चाहिए जो तुम्हारे पति के पास नहीं है। जिंदगी मोहब्बत से चलती है डैड, पैसों से तो सरकार चलती है। ये तुम नहीं, तुम्हारी जुबान में वो विभूतिया बोल रहा है। ये विभू की भी जुबान है और मेरी भी जुबान है डैड। तुम अपने आप को ही धोखा दे रही हो। अगर विभू मेरी जिंदगी से चला गया डैड तो वैसे ही मैं अपनी जिंदगी के साथ धोखा कर रही हूँ। तुम उसे बहुत प्यार करती हो ना, क्या वो भी तुम्हें उतना ही प्यार करता है? वो खुद से ज्यादा मुझसे प्यार करता है डैड। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो कल मैं विभूति को बुलाकर उसका टेस्ट लूंगा। अगर वो टेस्ट में जीत गया तो मैं अपनी हार मान लूंगा, और अगर वो टेस्ट में फेल हुआ तो बिना जिद किए तुम राहुल के साथ चली जाओ। मुझे मंजूर है। ठीक, गिव मी अ नाइस मसाज, बेबी मसाज। ओके ऑलराइट। Nice. You know what, baby? You know, sometimes मैं बड़ा guilty महसूस करता हूँ, you know, कि तुम सारे घर का बोझ जो है अपने कांधों पे लिए घूमती रहती हो। I really feel. नहीं बेबू, ये गलत बात है। गलत बात नहीं है बेबी, ये सही बात है। मुझे guilty महसूस होना चाहिए। I should feel guilty sometimes. हाँ, तो ये गलत बात है कि तुम्हें सिर्फ कभी-कभी guilty लगता है।
भाई, तुम्हें हर वक्त गिल्टी लगना चाहिए कि जो काम तुम्हें करना चाहिए वो मैं कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि इसीलिए मैं तुम्हारा बोझ हल्का करना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए फॉर अ स्टार्टअप। क्या बात है, इस बार मेवा नहीं मेवे की पूरी दुकान मांग ली तुमने विभू। 5 लाख चाहिए तुम्हें? बेबी अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, हमारे लिए मांग रहा हूँ, अपने फ्यूचर के लिए मांग रहा हूँ। मैं भी कमाना चाहता हूँ, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। यू नो जब तुम मोहल्ले में निकलो तो सब बोले कि ये देखो ये बिजनेसमैन की बीवी जा रही है। Here is a businessman without any business plan. हरिया, भरभूति जी, good morning, good morning. आपको पता है हम ना आपका ही इंतजार कर रहे थे। क्या बात कर रही भाभी जी, इसका मतलब ये हुआ कि आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि भाभी जी हमारा इंतजार कर रही थी। हाँ तो क्या करते, वो कहा है ना भरभूति जी कि आज वो कचरा वाला गाड़ी आया ना है। और हमारा जो कचरे का डब्बा है ना वो अंदर ही पड़ा है और बहुत बदबू मार रहा है। जो काम कीजिए ना, वो जो कालानी के वहाँ कॉर्नर पे एक बड़ा कूड़ादान है ना वो में वो कचरा डाल आइए ना। भाभी जी आज का दिन सुनहरे अक्षरों में नहीं बल्कि अकेले अक्षरों में लिखा जाएगा, अकेले अक्षरों में। क्या बताऊं कि फिलहाल मैं थाने जा रहा हूं। वो कहां जा रहे हैं इतनी जल्दी में? अरे भैया मेरे घर पे चोरी हो गई है, बस वही रिपोर्ट लिखवाने जा रहा हूँ। चोरी हो गई? क्या चोरी हो गई घर में? क्या घर में नहीं थे क्या आप? भैया मैं अपने घर पे ही था। दूसरे कमरे में सो रहे होंगे? मेरे घर में एक ही कमरा है और मैं उसी कमरे में सो रहा था। दरअसल वो लोग सेफ तोड़ के चोरी कर गए। ओहो, तो मतलब सेफ का ताला तोड़ा होगा? भैया बकायदा चाबी लगा के चोरी करके लेके गए। तो चाबी सामने पड़ी होगी फिर? नहीं नहीं भैया, चाबी तो मेरी पैंट की पिछली वाली जेब में थी। मतलब वही पैंट पहन के सो रहे होंगे फिर है? हाँ भैया यही पैंट थी, मैं सो रहा था, बस आए उन्होंने लात मारा, मुझे उल्टा किया, चाबी निकाली और कांड कर गए। इतना सब कुछ हो गया आप सोते रहे? अब भैया नींद पे किसी का जोर तो चलता नहीं है। अच्छा मतलब इतनी गहरी नींद थी तब तो चोर का हक बनता है। क्या मतलब हमारे घर में तो सुई भी गिर जाती है ना तो उसकी आहट से हमारी आंख खुल जाती है। हाँ। बकवास बंद कीजिए, आप हाथी घोड़े बेच के सोते हैं, खर्राटों को बजाते हैं आप ऑर्केस्ट्रा जी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हर रोज रात को आप हमारे बेडरूम में घुसते हैं। ऐसे समझ लीजिए। क्या मतलब? मैंने कहा घुसते नहीं आपके बेडरूम में, लेकिन आपके बेडरूम से आपके खर्राटों की आवाजें हम तक पहुंच जाती हैं। कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, हम रिलेटिव के भैया तो बहुत शांत नींद सोते हैं। सुन लिया भाई, पट्टी पड़ा रखी है आपने। अरे छोड़िए, कभी मौका लगा ना तो हम आपको बता देंगे हमारी नींद कितनी कच्ची है। हम भी आपको दिखा देंगे कि आप ये बकवास कर रहे हैं और इस बकवास में भाभी जी शामिल है आपके साथ। अरे छोड़िए, आप ना कर पाएंगे ये सब। लग गई शर्त? लगी 500 की। लग गई। क्या हुआ इनको? कुछ नहीं, थैंक यू पगली, थैंक यू, लव यू। कहाँ गए थे? कौन? कहाँ गए थे? अब देखो विभू, अगर तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा हो तो मुझे जल्दी से बता दो, मैं तुरंत फैसला ले लूँ कि आज तुम यहाँ बेडरूम में सो गए या बेडरूम के बाहर। तुम ना एक्सट्रीमिस्ट हो यार, हर बात तुम एक्सट्रीम में सोचती हो। मैं अपने दोस्त से मिलने गया था, प्रेम से। प्रेम से मिलने गए थे रात के 2 बजे? वो जहाँ तक मैं समझती हूँ लोग इतनी रात को अपने महबूबा से मिलने जाते हैं। प्रेम तुम्हारी महबूबा नहीं है? महबूबा नहीं है, लेकिन प्रेम दोस्त है, और एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलने 2 बजे जा सकता है। Why not? Friend indeed is a friend indeed. क्यों? ऐसा क्या हो गया था? अगर तुम उसकी बीवी को जानती ना तो ये सवाल ना पूछती मुझसे। She is a terror, terror. उसको मार रही थी, धो रही थी, कूट रही थी, और मैं उसे बचाने गया था। क्यों, ऐसा क्या कर दिया उसने? यही बनाना पड़ेगा। मेरा मतलब यही बताना पड़ेगा। बेबी इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि क्या हुआ था, इम्पोर्टेंट ये है कि मैं अपने दोस्त की जान बचा के आ रहा हूँ। आई सेव्ड हिज लाइफ। और जान बचाने के बदले में प्रेम ने तुम्हें ये
फुल दान दे दिया। याद नहीं रह गया। एक्चुअली बड़ी फनी सिचुएशन हो रही थी, यू नो, वो शी इज थ्रोइंग थिंग्स एट हिम, वो तरह तरह की चीजें खींच खींच के मार रही थी और मैं कैच कर रहा था, और लास्ट में उसने ये फूलदान मारा, मैंने कैच कर लिया और मेरे हाथ में रह गया। आई जस्ट फॉरगॉट टू पुट इट, मुझे रख के आना चाहिए था। नहीं प्रेम, पता है आज तक तुमने इतनी कहानियां बनाई है, बट दिस बाय फार टेक्स द अवार्ड। मतलब इतनी अनबिलीवेबल कहानी है ये। बेबी, आई विल टेल यू वन थिंग, मियां बीवी के बीच में एक बॉन्डिंग होती है ट्रस्ट की, तुम उस पर ट्रस्ट करो। एंड प्लीज ये मत सोचो कि मैं कुछ गलत काम करके आ रहा हूँ, मैं सही जगह से आ रहा हूँ और सही काम करके आ रहा हूँ, ट्रस्ट मी। सो जा बेबी। थैंक्स, हाँ थैंक्स, तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया, आई रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू सो मच। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि ध्यान के दौरान जिस भी नाम का स्मरण करो, नेत्र खुलने पर वो सामने प्रकट होता है। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, हमने नाम स्मरण किसी और का किया था लेकिन प्रकट कोई और हो गया। आपने नाम स्मरण किसका किया था? भाभी जी, भगवान जी का, लेकिन शैतान हाजिर हो गया। राइट, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा शैतान मैं ही तो हूँ, भाभी जी को बुलाइए। क्यों भाई? आंखें सेकेंगे। हाँ? मैंने कहा भाभी जी को बुलाइए, सवाल मत पूछिए, मैं आप दोनों के लिए गिफ्ट लाया हूँ। अच्छा, गिफ्ट लेकर आया है, क्या बात। अंगूरी, अरे तनिक जल्दी आओ पगली, देखो हमारे भभूति जी हमारे लिए कोई तोहफा लेके आए हो पगली। हाय दिया, क्या बात कर रहे हैं? हेलो भभूति जी। हेलो भाभी जी। का लिफ्ट लाए हैं? अभी ये लिफ्ट तो आपको मतलब गिफ्ट लाए, गिफ्ट गिफ्ट सही पकड़े हैं, कहा है भाभी जी, इसको तो आप पहचानती होंगी, हर रोज सुबह इसके खुले मुंह में आप कुछ फूलों की डंडियां डालती हैं। हाँ, और फिर इसको अपने बेडरूम में रख देते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड कि आप इसको अपने बेडरूम में रख देती हैं, उसके बाद बेडरूम से कब निकालती हैं बाहर? अगली सुबह, ये तो हमारा ही है। पॉइंट टू बी नोटेड अगेन, इसका मतलब ये कि ये रात भर आपके कमरे में रहता है, राइट? जी नहीं, रात को 2:30-3 बजे चौकीदारी करने बाहर निकल जाता है। यार कमाल की बात करते हैं आप, जाहिर सी बात है ये मतलब बेडरूम में ही रहता होगा ना। अरे जी, डोंट ट्राई टू बी फनी, ओके? अगर ये रात भर आपके बेडरूम में रहता है तो फिर ये इस वक्त मेरे हाथ में क्यों है? व्हाई इज दिस इन माय हैंड? और खिड़की खुली रह गई होगी, कोई बंदर आया होगा और चुरा के ले गया होगा। वो बंदर कोई और नहीं, मैं था। मैं आया था और मैं इसको आपके बेडरूम से उठा के ले गया था। आप आए थे हमारे बेडरूम में, उठाए काहे नहीं? अभी जी चोरी करने आया था, कोई पार्टी करने तो आया नहीं था। लेकिन फिर भी हम आपको चाय वाय का छुपी ला देते ना। सो स्वीट, आई रियली गेट टच्ड, यू नो। एनीवे, ये बहुत दावा करते थे ना कि इनकी नींद ऐसी है कि अगर रात को ये सोते हैं और अगर कोई सुई भी गिर जाए तो इनकी आंख खुल जाती है। और ये आप भी बड़ी हाँ में हाँ मिला रही थी, इफ यू रिमेम्बर, है ना? हाँ, बोले तो थे। तो रात को मैं इनके कमरे में आया था, मैंने ये फूलदान चुराया, उसके बाद कैलिप्सो डांस किया, उसके बाद खिड़की से कूद के बाहर चला गया, लेकिन ये ना हिले। ये घाती घोड़े बेच के सो रहे थे, और तो और लाश भी एक बार करवट ले लेती है भाभी जी, लेकिन इन्होंने एक भी करवट नहीं ली। अरे तो ठीक है ना, रात को बहुत थके मांदे थे तो इसलिए गहरी नींद सो गए, बाद में चोरी करने आइएगा। चलिए तिवारी जी, बहाने मत बनाइए, शर्त के 500 रुपए लाइए, कम ऑन। यार अब जेब लेके घूमते हैं क्या? जाओ पगली लेके आओ जरा 500 रुपए, जाओ। ठीक भला आते हैं, वैसे बधाई हो। हाँ, she's so sweet. पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।